नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपको किसने मना किया है कि जब आरक्षण महिलाओं का हो जाए तो अपने कोटा से खाली आप दीजिए ना ओबीसी को टिकट? नहीं देंगे ना, कि वहां परिवार जरूरी है। मोदी जी की हिम्मत आज देखिए, और ये बात मैं बिहार में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार ने, लालू जी के पार्टी के लोगों ने राज्यसभा में इसको छीन करके फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। महिला आरक्षण बिल को लेकर महागठबंधन की सरकार में समर्थन तो किया है, लेकिन महागठबंधन की सरकार कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है वो लालू जी के सरकार में ही इसको पारित करना था, लालू जी की सरकार में ही ये सवाल उठाया गया था, जिसको लेकर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन की सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू जी के सरकार में संसद में महिला आरक्षण बिल को फाड़ने का काम किया गया था, उनके नेताओं के द्वारा महिला आरक्षण बिल को फाड़ने का काम किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। देखिए तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। महिला आरक्षण को लेकर करके मोदी जी की हिम्मत आज देखिए, और ये बात मैं बिहार में विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जब पटना नगर से बात कर रहा हूं, क्या यूपीए की सरकार में, लालू जी के पार्टी के लोगों ने राज्यसभा में इसको छीन करके फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं था उस समय। इनके एक सम्माननीय मंत्री हैं, वो लोकसभा में टेबल पर नाचे थे कि नहीं नाचे थे, याद है आपको? कभी इनका विचार महिला आरक्षण के लिए समर्थन का नहीं रहा। बस कोई ना कोई बहाना बनना चाहिए। आज मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हम करके दिखाएं तो कर दिया। अब ये बताना जरूरी है कि गैर कानूनी तरीके से किया जाए, कौन सीट रिजर्व होगी इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन है कि नहीं है, वही ना करता है काम। जैसा कि माननीय अमित शाह ने कहा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसका अध्यक्ष होता है और सब पार्टी के मेंबर्स होते हैं। कहां महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, जैसे SC ST में होता है। और लालू जी और नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपको किसने मना किया है कि जब आरक्षण महिलाओं का हो जाए तो अपने कोटा से खाली आप दीजिए ना ओबीसी को टिकट? नहीं देंगे ना, कि वहां परिवार जरूरी है, यही समस्या। इसलिए अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री का। तो अभी आपने देखा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू जी के सरकार में महिला आरक्षण बिल को संसद में फाड़ने का काम किया था, उनके नेताओं के द्वारा क्या कुछ किया गया संसद में वो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी ने जो किया, जो कहा, उसको करके दिखाया। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कभी ये लोग थे ही नहीं, इन लोग को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।